देखिए फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या जेब खाली हो, लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मैगी खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो मैगी आप इतना खुश होकर खाते हैं वो कैसे बनती है? और सिर्फ मैगी ही क्यों, जिस चम्मच से आप मैगी खाते हैं क्या आपको मालूम है वो कांटे वाले चम्मच किस तरह से तैयार होते हैं? क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम, जिसे हम कितना भी चबा लें लेकिन वो खत्म ही नहीं होती, वो किस चीज से बनती है? और जो पोटैटो चिप्स हम खाते हैं असल में वो आलू से बने ही नहीं होते, उसका बनाने का प्रोसेस कुछ और ही होता है। अगर आप नहीं जानते तो जनाब इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, हमारे इस चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कैंडी बार। सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की। दोस्तों आप लोगों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट को तो जरूर खाया होगा, अगर नहीं खाया है तो टीवी पर उसका एड तो जरूर देखा होगा। आज हम आपको इसे बनाने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोलेसेस, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है और इन सब चीजों को मिक्स करके 8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के लिए गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद पूरे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है और जो पिछले टाइम बनाते समय कैंडी बची थी उसे भी इस सिरप में मिला दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक बड़े से स्टील प्लेटफॉर्म में डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को स्ट्रेचर मशीन में डाल दिया जाता है जो इस पर कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता रहता है और उसके बाद गरम पीनट बटर को इस कैंडी के ऊपर सही मात्रा में डाला जाता है। इसके बाद इस लेयर को बेलन यानी कि सिलेंड्रिकल आकार दिया जाता है और आगे चलकर ये मशीन चॉकलेट बार के साइज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसे एक मशीन से गुजारा जाता है जो कि हर 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगा देती है और इसे काट देती है। लास्ट में इन बार्स को एक कन्वर्टर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है और फिर पैकिंग मशीन वाली मशीन में इन्हें प्लास्टिक रैपर में पैक कर दिया जाता है। मैगी, अब बात करते हैं मैगी की। शायद ही यहाँ कोई ऐसा होगा जिसने मैगी को कभी ना खाया हो, लेकिन जी हाँ, कंपनी तो इसे 2 मिनट में बनाने का दावा करती है, लेकिन क्या आपकी मैगी कभी 2 मिनट में बनी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। खैर ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं इन नूडल्स को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले आटा, मैदा और पानी, इनके साथ काफी सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक चैम्बर में डालकर आटे की तरह गूंथ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए और इस गूंथे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है। इस आटे की जिगजैग शेप इससे तैयार हो जाती है। फिर इस आटे की शीट को कई बार बेलनी यानी कि कंप्रेसर मशीन से गुजारा जाता है जिससे इस आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाती है, जिसके बाद इस नूडल के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स की शेप में पतला पतला काट दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को अगली मशीन में शेप के लिए डाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सभी नूडल्स कट कर मशीन से निकलते हुए आ रहे हैं और इसके बाद इन्हें शेप में काटने के बाद प्लास्टिक पैक में पैक करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं फोक यानी कि जिससे मैगी खाई जाती है, उस चम्मच की। अब मैगी बनते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन फोक मेकिंग प्रोसेस भी हम आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन द्वारा स्टील की प्लेट को एक ही आकार में काटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बन सके। ये सभी स्टील के पीसेस जब प्रॉपर शेप में कट जाते हैं तो नीचे गिरते रहते हैं और वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर एक कंटेनर में भरते रहते हैं। जब इस तरह के कंटेनर भर जाते हैं तो इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है।
जहां इन सभी पीसेस को बारी बारी एक रोल करती हुई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है ताकि ये इसका आगे का हिस्सा पतला हो जाए। इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए उन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव डाला जाता है और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इसके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसको प्रॉपर शेप मिल जाती है बल्कि इसका आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बैंड हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच की तरह तो तैयार हो गया, लेकिन इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे मशीन में वापस डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट किए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार होकर आ जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम इतनी मजेदार कैसे होती है? उसे हम कितना भी चबा लें लेकिन वो खत्म नहीं होती है और उसका मजा बढ़ता ही जाता है। ऐसा क्यों है? च्युइंगम बनाने का सफर शुरू होता है गम बेस से, जो कि प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इसमें फ्लेवरिंग कलर ऐड करके इसके बाद इस पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में डालकर स्ट्रेच करते हैं। इसके अलावा च्युइंगम में ग्लूकोज सिरप भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से च्युइंगम सॉफ्ट रहती है और उसको खाने में आपको एक यूनिक टेस्ट मिलता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को करीब आधा घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके दौरान जो हीट पैदा होती है उससे च्युइंगम को वो अमेजिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर मिलता है। इसके बाद इस मिक्सचर को स्ट्रूडर में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इसकी लंबी स्ट्रिप्स काट देती है और उसके बाद इन स्ट्रिप्स को फ्रीजर के थ्रू पास कराया जाता है। फ्रीजर से पास होने के बाद च्युइंगम रैपर से चिपकती नहीं है और इसकी लास्ट स्टेज होती है उसे रैप करके हमारे घर तक पहुँचाना। ये मशीन एक मिनट में 900 च्युइंगम तैयार कर देती है। तो कैसा लगा आपको च्युइंगम बनाने का ये सफर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पोटैटो चिप्स सभी एक ही आकार में कैसे होते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें घर पर बनाते हैं तब तो ये ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि सभी आलूओं का आकार अलग अलग है तो उनकी शेप भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन आज हम आपके सामने इन बड़ी बड़ी कंपनीज का पर्दाफाश करने वाले हैं। असल में दोस्तों, ये लोग आलू का नहीं बल्कि आलू स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये पोटैटो स्टार्च आलू को उबालकर फिर उसे पीस कर बनाते हैं। फिर ये परफेक्ट चिप्स बनाने के लिए पानी मिक्स करते हैं और कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। वहां पर 4 टन वाली ताकत की मशीन से इस मिश्रण को एक शीट में तब्दील कर दिया जाता है और उसे रोलर पर लगे कटर से शीट को चिप्स के साइज में काट लिया जाता है, जहां पर इस मशीन का दूसरा हैंडल शीट के बचे हुए हिस्से को साइड से काटकर निकालता रहता है। जो कि निकला हुआ हिस्सा होता है वो फिर से शीट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो प्रॉपर कटे हुए चिप्स के टुकड़े होते हैं उन्हें फ्रायर में डाल दिया जाता है। फ्रायर में डालने से पहले चिप्स को एक कॉर्न कैफ की शेप के सांचे में डाल देते हैं, जिससे इसकी कर्व शेप आ जाती है, जिसे देखकर हम कहते हैं वाह भाई वाह, क्या चिप्स शानदार बने हैं। इसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरी कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है और जो चिप्स बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है फिर वो प्रोसेस किया जाता है। और वो प्रोसेस होता है हर कंपनी का अपना एक सीक्रेट मसाला, जो कि इस पोटैटो चिप्स को इतना बेहतरीन और स्वादिष्ट बना देता है। सारे मसाले सही क्वांटिटी में डालने के बाद ये मशीन खुद ही इसे पैक करने के लिए आगे भेज देती है, जहां पर इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स हमेशा के लिए क्रंची रहें और सारी चीजें होने के बाद पैकेट वाले चिप्स को बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं हॉट डॉग की। अरे नहीं नहीं, ये कोई असली का डॉग नहीं है बल्कि नॉर्मल बर्गर की तरह ही होता है। बस इसकी फीलिंग और शेप अलग अलग होता है, जो कि भारत में बहुत कम होता है लेकिन अमेरिका में ये बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कच्चे मांस को एक ग्राइंडर में डाला जाता है, जो इसे एक सांचे से बाहर की तरफ पुश करता है। इसके बाद इसमें नमक, ग्राउंडनट और आटे जैसी चीजें मिलाई जाती हैं और फिर पानी मिला दिया जाता है ताकि ये कड़क ना हो जाए
और ठीक उसी समय कॉर्न सिरप को भी मिला दिया जाता है ताकि ये एक डल्यूट पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए। फिर इसे एक मशीन से गुजारा जाता है जो इस पेस्ट को प्लास्टिक के थैलों में पैक करके हर 5 इंच पर मोड़ कर भेज देती है। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि ये मशीन एक साथ हजारों हॉट डॉग बनाकर तैयार कर देती है। बाद में इन बड़े बड़े हॉट डॉग्स की लेयर को एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है ताकि इन्हें गर्म पानी से धोया जा सके। धुलने के बाद इन्हें ओवन में पकाया जाता है जिसके बाद इनके ऊपर की प्लास्टिक कवर को हटा दिया जाता है और इन्हें अच्छी तरह से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। शब्बा खैर। धन्यवाद दोस्तों।